हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रिएटिविटी फॉर यू। इस वीडियो में हम देखेंगे विलर किस तरह से किया जाता है। अब विलर के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी इसमें कटिंग भी किस तरह से की जाती है। सो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से हम सबसे पहले इसकी देखिए एक लेयर क्रिएट करेंगे। इस तरह से डुप्लीकेट लेयर एक हमने ये बना ली है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए शॉर्टकट की है इसकी, कीबोर्ड से हम पी प्रेस करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ से जाके पेन टूल यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम देखिए कटिंग इस तरह से करते हैं। यहाँ पर हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से, इस तरह से। ये देखिए, इसको कटिंग क्लिक करने के बाद में इस तरह से राउंड लेना है। ये देखिए, इस तरह से हम कटिंग करेंगे फ्रेंड। तो चलिए हम अपनी पिक को सबसे पहले फिनिशिंग के साथ कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, लास्ट में लाकर हम यहां से इस पॉइंट पर जोड़ देंगे। फ्रेंड्स, को बैक करने के लिए ऑल्ट कंट्रोल जेड का यूज करेंगे इस तरह से, ठीक है। सो फ्रेंड देखिए, कटिंग हो गई है। हम कंट्रोल प्लस एस कर देते हैं इसको सेव करने के लिए। कंट्रोल के साथ हम एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, सर्कल चारों तरफ घूमने लगा हमारा इस तरह से। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे। अब ये कटिंग सिर्फ हमारी पिक के ऊपर आ गई है। अब चाहे तो हम इस तरह से भी देखिए ब्लर कर सकते हैं। पीछे की हम बैकग्राउंड यहाँ से इस तरह से ब्लर कर देंगे। फिल्टर पर जाएंगे और ये ब्लर होगी, ठीक। और हम चाहें तो फ्रेंड देखिए, दूसरा तरीका ये है कि हम इसको चारों तरफ से इसका सर्कल हटाएंगे, कंट्रोल प्लस जे करेंगे। अब हमने ये एक और लेयर इसमें क्रिएट कर ली है। इस वाली लेयर को हम ब्लर कर देते हैं। देखिए, यहाँ से जाएंगे वॉक्स ब्लर। ब्लर कई तरीके के होते हैं, वॉक्स ब्लर जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। जितनी परसेंटेज आप देना चाहें दे सकते हैं। ओके कर देते हैं यहाँ से, ठीक। और इसको हम चाहें तो थोड़ा सा डार्क और कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारी पिक ब्लर हो गई है बैक साइड वाली। अब मैं इसको और इसको इस तरह से सेलेक्ट करके कंट्रोल ई करूँगी। ये दोनों लॉक हो गई हैं। अब पहले हमारी पिक ये थी, अब ब्लर करने के बाद कुछ इस तरह से हमारी दिखेगी। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।